रामनवमी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जो हमें सत्य का पथ दिखाते हुए आदर्श मानव बनने की प्रेरणा देते हैं। रामनवमी भारत के भिन्न हिस्सों में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। उसी प्रकार प्रकृति प्रमुख राज्य झारखंड की राजधानी रांची के लोग भी इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं। रामनवमी का यह पर्व रांची में स्थित तपोवन मंदिर में काफी उच्च स्तर पर मनाया जाता है। महंत ओम प्रकाश शरण, श्री राम जानकी तपोवन मंदिर। देखिए, रामनवमी के दिन और आम दिन, सभी दिन तपोवन मंदिर में 1600 उपचार के साथ भगवान का पूजन किया जाता है। रामनवमी के दिन सुबह 3 बजे से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। उसके बाद सुबह 5:30 बजे भगवान का मंगला श्रृंगार आरती किया जाता है। दोपहर में भगवान का विशेष आरती या महाआरती, जो जन प्राकट महामहोत्सव का महाआरती होता है। संध्या फिर 9 बजे भगवान का महाआरती किया जाता है। ये हमारा जो बिहार झारखंड है, यहाँ भगवान राम के जन्मदिन हनुमान जी का जुलूस, मतलब हनुमान ध्वजा का जुलूस निकालने का परंपरा है, जो 1925 में हजारीबाग में शुरू हुआ और 1929 में रांची में शुरू हुआ। भगवा रंग है भारत का, भारत का भगवा रंग भगवान का, भगवा पहिर के नाचे भक्ता, मंदिर बने अरमान का, बोलो जय श्री राम। जब शुरू हुआ था तो एक झंडे के साथ शुरू हुआ था। आज हजार की संख्या में ध्वज लेकर के आते हैं लोग, और लाखों लाख की संख्या में ध्वज वाहक होते हैं। रामनवमी की यह झांकियां पताकाएं लहराते हुए तपोवन मंदिर में जाकर ठहरती हैं, जिसके पश्चात पूजन के बाद रामनवमी का यह त्यौहार समाप्त होता है।